आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन सीपीसी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 26 को। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कि वॉइस वगैरह क्लियर ना हो उस समय के लिए, मैं दोबारा से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वादों का संस्तुत किया जाना, जो कि सेक्शन 26 में हम लोग पढ़ेंगे सीपीसी का। और इसका जो ऑर्डर है इससे रिलेटेड, वो ऑर्डर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो ऑर्डर 4 भी हम इसी के साथ पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जो सेक्शन 21 से लेकर के 25 तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ कल लास्ट क्लास में। और जिन लोगों को पढ़ना हो या देखना हो तो वीडियो की ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, और ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं जिनको छूट गया हो। चलिए ज़रा हम यहाँ पर सेक्शन 26 की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, वादों का संस्तुत किया जाना मीन्स बात जो केस हैं उनको कैसे रजिस्टर्ड किया जाएगा, ये हम लोग सेक्शन 26 में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 26 का सबसेक्शन 1 पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर बात की गई कि हर बात यानी कि कोई भी केस कैसे रजिस्टर्ड होगा, तो कहा गया कि बाद पत्र को उपस्थित करके। कहाँ पर उपस्थित करना है? कोर्ट में। तो जो बाद पत्र बनाया गया, जो प्लेंट बनाया गया, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ चुके हैं? हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ऑर्डर 7 में कि प्लेंट कैसे बनाया जाता है और उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो ये हम लोग ऑर्डर 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसे एक क्लास पहले। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेक्शन 26 में, ये देखेंगे कि बाद पत्र को पहले उपस्थित करके कहाँ उपस्थित किया जाएगा? कोर्ट में उपस्थित किया जाएगा। और बाद पत्र बनाया कैसे जाता है ये हम लोग ऑर्डर 7 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप चाहें तो इसके वीडियो भी डले हुए हैं तो उनको देख सकते हैं। अगला जरा ध्यान दीजिए, या ऐसे अन्य प्रकार से। तो अन्य प्रकार का मतलब क्या है? जैसा कोर्ट प्रेस्क्राइब करे, यानी कि जो अगर स्टेट की हम लोग बात करें तो निचली अदालतों में काम कैसे होगा, इसके लिए हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा जो कि ये डिसाइड करेगा कि भाई कोर्टों का संचालन कैसे किया जाएगा। जैसे अभी जो कोरोना ड्यूरेशन का था जिसमें फिजिकल कोर्ट अभी बंद कर दी गई कोविड-19 की वजह से, तो कोरोना के ड्यूरेशन में यहाँ पर हम ऐसा मानते हैं कि हाई कोर्ट ने जो अभी जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें या यूपी की बात करें तो जनरली जो कोर्ट है वो फिजिकल कोर्ट सभी बंद कर दी गई, और यहाँ पर अभी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई यानी कि सभी कोर्टों को ई कोर्ट्स बना दिया गया और ऑनलाइन की तरह तरह ही सुनवाई होगी। तो यहाँ पे क्या किया, अन्य प्रकार ये हो गया कि भाई आप चाहो तो ऑनलाइन अपनी पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, इसके लिए रूल्स प्रेस्क्राइब किए गए उनके अकॉर्डिंग उनको लिया जाएगा। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने बाद पत्र कोर्ट में उपस्थित कर दिया। सेकेंड थिंग, यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी हुई, जैसा कि विहित किया जाए। विहित का मतलब प्रेस्क्राइब किया जाए, और तो यहाँ पर कौन डिसीजन ले सकता है? अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई काम करवाना है, हाई कोर्ट में काम करवाना है, तो इस संबंध में यहाँ पर हाई कोर्ट रूल्स बना सकते हैं कि कोर्ट कैसे चलेंगे और किस तरह से चलेंगे। अब हाई कोर्ट में कैसे काम करेंगे इसके ऊपर जो सुपीरियर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पर वो चाहे तो रूल्स जब बनाए जाते हैं तो उनको कहा जाएगा कि जैसे विहित किया जाए, प्रेस्क्राइब किया जाए, उस रूप में उनको चलाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि सेक्शन 26 में वादों को संस्तुत किया जाना कैसे है। यहाँ पर सबसेक्शन 1 में हम यहाँ पर नज़र डालते हैं तो कहा गया कि बाद पत्र को उपस्थित करके, ये इसका एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, या किसी ऐसे अन्य प्रकार से। दूसरा कि जैसा कि विहित किया जाए इनकी प्रेस्क्राइब किया जाए, ऐसे मान लिया जाएगा कि उसको संस्तुत किया गया इनकी रजिस्टर्ड किया गया। सबसेक्शन नंबर 2 पर एक नज़र डालिए, प्रत्येक बाद पत्र में क्या क्या होना चाहिए, यानी कि जो तथ्य होंगे, जो फैक्ट होंगे, हर जितना भी जो भी प्लेंट बनाया गया यानी जो बाद पत्र बनाया गया, तो वो कैसे साबित किए जाएंगे। तो उनको साबित किया जाता है शपथ पत्र के द्वारा। तो कहा गया कि शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट आप देखिए यहाँ पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 26 सब रूल नंबर 2। तो सेक्शन 26 सब रूल 2, और 2 के अकॉर्डिंग ऐसा रहेगा कि प्रत्येक पाद पत्र में तथ्य जो हैं, जो फैक्ट हैं, वो कैसे साबित किए जाएंगे, कहा गया शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए शपथ पत्र कैसे होगा, तो शपथ पत्र के लिए कहा गया कि परंतु ऐसा कोई भी शपथ पत्र ऑर्डर 6 रूल नंबर 5A के अधीन यथा विहित प्रारूप और रीति में होगा। इसका जो फिक्स फॉर्मेट दिया गया उसी फॉर्मेट में उसको बनाया जाएगा, ऐसा ये कहा गया। तो आपने ये सेक्शन नंबर 26 आपने पढ़ा, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम इसके ऑर्डर की तरफ चलते हैं। सेक्शन 26 में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स,
यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की बात करें, सब सेक्शन फर्स्ट पर एक नज़र डालिए, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ आ प्लेंट। कैसे किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशन कैसे होगा केस का, कहा गया कि प्रेजेंटेशन ऑफ आ प्लेंट, जो प्लेंट है उसका प्रेजेंटेशन करके किया जा सकता है, और इन सच अदर मैनर, सच अदर मैनर कैसा, जैसा कोर्ट या लॉ यहाँ पे प्रेस्क्राइब करे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऐसा भी किया जा सकता है, एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो प्रेस्क्राइब का मतलब वही है जैसे कि जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कैसे करेगा, इसका ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट के पास होगा, हाई कोर्ट कैसे काम करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा, और इनको रूल्स बनाने की पावर्स होती है सिविल रूल्स और क्रिमिनल रूल्स में, छोटा सा अमेंडमेंट करके ऐसा किया जा सकता है। सेकेंड थिंग, हाई कोर्ट के अंडर जितने भी सबॉर्डिनेशन कोर्ट्स आते हैं, प्राधिकार की भी किया जा सकता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी, जितने भी हाई कोर्ट उनके अंडर आते हैं सब में एक ऑर्डर पास करके भी ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 26 और सब सेक्शन सेकेंड पर एक नज़र डालिए, इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रोवाइडेड बाय एफिडेविट। तो जितने भी फैक्ट हैं वो कैसे दिए जाएंगे, कैसे प्रूफ किए जाएंगे, बाय द एफिडेविट। और वही जैसे कि आपने पढ़ा था ऑर्डर नंबर 6 और रूल नंबर 15A में इसका फॉर्मेट दिया गया कि इसके अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं, जैसे जस्ट वहाँ पढ़ा हुआ था। चलिए हम थोड़ा सा इसका ऑर्डर पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ऑर्डर नंबर 4 को देखिए, जरा इसी से रिलेटेड है, इन दोनों को मिलाकर के पढ़ना चाहिए तो ज़्यादा क्लियर स्थिति होगी, जिसमें कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वादों को संस्थित कैसे किया जाना, उसकी प्रोसेस के बारे में देखेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कहा गया कि वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा, जो वाद पत्र जो प्लेंट है उसके द्वारा केस प्रारंभ होगा। तो क्या कैसे कहा गया यहाँ पे, देखिए ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सब रूल नंबर फर्स्ट, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर फर्स्ट और सब रूल नंबर फर्स्ट, चाहो तो शॉर्ट में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और 1 और फिर 1, क्लियर। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर बाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में बाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा। तो पहले तो कहा गया कि भाई जैसा बाद पत्र है जो आपने सेक्शन 26 में पढ़ा, 26 में आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर सब सेक्शन फर्स्ट में बाद पत्र को उपस्थित करके, अब प्रेजेंट कैसे होगा, कितनी कॉपियों में होगा, तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि हर बाद न्यायालय को या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को, तो सबसे पहले या तो उस कोर्ट में जाए, डायरेक्ट कोर्ट ले ले, और अगर कोर्ट यहाँ पर सबमिट नहीं करता तो उसने किसी न किसी अधिकारी को यहाँ पर नियुक्त किया होगा, तो इस प्रयोजन के लिए, इस कार्य के लिए नियुक्त किसी अधिकारी को, और कैसे दिया जाएगा, 2 प्रतियों में बाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा, कैसे, 2 कॉपी में, ठीक। आप सेकेंड थिंग यहाँ पर देखिए, बात ध्यान दीजिएगा, सब रूल नंबर सेकेंड पर हम एक नज़र डालते हैं, हर बाद पत्र आदेश 6 और 7 में अंतर्विष्ट नियमों का वहाँ तक अनुपालन करेगा जहाँ तक वे किए जा सकते हैं। तो ऑर्डर 6 में फॉर्मेट वगैरह को चेक करेंगे, ऑर्डर 7 में प्लेंट की बात की गई, उनमें कौन कौन से डिस्क्रिप्शन इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, उन सब को पालन करते हुए ही केस को रजिस्टर्ड किया जा सकता है ऑर्डर 4 के अकॉर्डिंग। जैसे कि ऑर्डर 6 और 7 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, सभी को वैसे पता है, और जिनको नहीं पता एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो ऑर्डर 6 और 7 को दोनों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे पढ़ चुके हैं तो आपको रिवीजन में समझ आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए सब रूल नंबर 3 पर एक नज़र डालते हैं, बाद पत्र तब तक सम्यक रूप से संस्थित किया गया नहीं समझा जाएगा, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग ही बाद पत्र को कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है, वो तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह उपनियम 1 और उपनियम 2 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है। तो कौन सा, उपनियम 1 और उपनियम 2, इन दोनों की अपेक्षाएं जो भी हैं वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। कैसे, सबसे पहले तो 2 प्रतियों में हो, कहाँ सबमिट कर सकते हैं, न्यायालय में, और या न्यायालय में नहीं हो रहा तो न्यायालय ने इसके लिए अधिकारी को नियुक्त किया होगा, उसको जमा करके 2 प्रतियों में किया जा सकता है। हर बाद पत्र ऑर्डर 6 और 7 में जो
फॉर्मेट्स की बात की गई है, जो प्लांट में डिस्क्रिप्शन की बात की गई है, कौन कौन सी चीज़ें प्लांट में होनी चाहिए, यानी कि बाध पत्र में होनी चाहिए, उनका विवरण होना चाहिए, वो उनका अनुपालन करने के बाद ही केस को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, सब रूल नंबर टू पर हम एक नज़र डालते हैं। रूल नंबर 2, ऑर्डर नंबर 4, बाधों का रजिस्टर, मतलब केस को कहाँ रजिस्टर्ड किया जाएगा, कैसे उसका जो नंबर होगा वो मिलेगा, केस नंबर की जो हम बात करते हैं उसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, न्यायालय हर बाध की विशिष्टियों को, जो कोर्ट है, हर बाध की जो विशिष्टियाँ हैं जो उसमें लिखी गई हैं, इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी, प्रविष्ट कराएगा, और ऐसी प्रविष्टियाँ हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होंगी जिसमें बाध पत्र ग्रहण किया जाए। तो देखिए, हर ईयर में यहाँ पर जो केस नंबर होते हैं, जैसे 2020 के अगर केस नंबर की बात करें, तो यहाँ पर एक सीरियल नंबर से स्टार्ट किए गए होंगे, उसी क्रम में, जैसे किसी को 1 दिया गया तो फिर इसके बाद 2 नंबर का आएगा, इसके बाद 3 नंबर का आएगा, इस टाइप से सभी केस नंबर यहाँ पर चलेंगे, फिर ऑब्लिक करके 2020 ऐसा कुछ लिखा होगा, जैसे कि आप केस नंबर में जनरली देखते हैं। तो कहा गया कि उसी क्रम में होंगे जिस क्रम में ईयर वाइज सभी के नंबर यहाँ पर अलॉट किए जाएंगे। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ सेक्शन 26 आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ बताइए। सेक्शन 26 कंप्लीट हुआ आप लोगों का? हाँ ना, जल्दी से बताइए भाई।